हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही स्पेशल है, हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग। फ्रेंड्स, आज हम जो ऑनलाइन दुनिया में अभी जी रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, एडमिशन ऑनलाइन लिया जाता है, इंटरव्यू ऑनलाइन लिए जाते हैं, लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं, पैसे ट्रांसफर करने हो तो ऑनलाइन होते हैं, पैन कार्ड करवाना हो, आधार कार्ड करवाना हो, सभी में हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इवन शॉपिंग टू। तो ये सभी टेक्नोलॉजी में जो सबसे क्रूशियल चीज है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी चोरी हो सकती है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ हैकिंग। सो हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग का क्या डिफरेंस होता है, और इसमें कौन कौन सी फील्ड आती है डिफरेंट, क्या उसका डिफरेंसेस है, एज वेल कि कॉमर्शियल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी आज के टाइम पे ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बिल्टअप कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साइंस स्टूडेंट तो इजीली ये फील्ड में जाते ही है, जैसे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थ्रू। सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। सो यहाँ पे हम थ्रू दी डेफिनेशन चलते हैं सबसे पहले, तो कि हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है। इन केस ऑफ हैकिंग, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोइटिंग द सिक्योरिटी फ्लोज, बग्स और वल्नरेबिलिटीज इन अ नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू स्टील द डेटा, डिस्ट्रॉय द डेटा और इंटरप्ट नॉर्मल ऑपरेशंस। सो अगर हम हैकिंग की बात करें तो हैकिंग जो है वो ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक्सप्लोइटिंग द सिक्योरिटी फ्लोज, बग्स एंड अगर हम उसको सिमिलर वर्ड में बात करें तो वल्नरेबिलिटीज, यानी कि जो कमजोरियां है, गुजराती में कहिए तो नबड़ाई हो, ओके, जो भी नेटवर्क या सॉफ्टवेयर में जो कमजोरियां है, हैकिंग में वो हैकिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो कमजोरियां फाइंड की जाती है और वो कमजोरियों के थ्रू डेटा को चोरी किया जाता है, स्टील द डेटा, डिस्ट्रॉयड द डेटा, डेटा को उड़ा दिया जाता है, और एल्स इंटरप्ट नॉर्मल ऑपरेशंस, और एल्स जो नॉर्मली ऑपरेशंस होते हैं उसको रोक दिया जाता है। मान लो कि थोड़े टाइम के पहले रैंसमवेयर वायरस अटैक हुआ था, दैट इज वन काइंड ऑफ हैकिंग, जहां पे सभी एटीएम मशीन है वो ब्लॉक हो चुके थे, कोई ऑपरेशन उसमें नहीं चल रहा था। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग। कहीं पे पैसे का चोरी हो जाना, कहीं से गवर्नमेंट ऑफिस से काफी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, जैसे जोमेटो की बात करें तो वहां से 17 लाख लोगों के डेटा चोरी हो चुके थे, नेम एड्रेस वगैरह, तो ये सब हैकिंग का पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हैकिंग यानी कि कमजोरियों को फाइंड करके डेटा को चोरी करना, डेटा को डिलीट कर देना, या फिर जो नॉर्मली ऑपरेशंस होते हैं उसको रोक देना। इसके काउंटर में अगर देखा जाए तो एथिकल हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोइटिंग सिक्योरिटी फ्लोज, वल्नरेबिलिटीज और बग्स इन सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी लूप होल्स एंड फिक्स देम बिफोर अ मैलिशियस हैकर फाइंड्स देम। सो एथिकल हैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सिक्योरिटी फ्लोज, वेल्नरेबिलिटीज यानी कि जो भी कमजोरियां हैं या फिर बग्स जो है वो सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना, मीन्स फाइंड आउट करना, जो भी सिक्योरिटी लूप होल्स है, जहां पे वीक पॉइंट है, जहां पे सिक्योरिटी तोड़ी जाती है, उसको फाइंड आउट करना एंड उसको फिक्स करना कि वो सिक्योरिटी वहां से सिक्योरिटी प्रूफ हो जाए, मीन्स वहां से हैक ना हो पाए, ठीक है, बिफोर अ मैलिशियस हैकर फाइंड्स देम। हैकर के हाथ में वो लूप होल आने से पहले उसको करेक्ट कर देना, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एथिकल हैकिंग फ्रेंड्स। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। हैकिंग जो है वो नेगेटिविटी है, एथिकल हैकिंग जो कि नेगेटिविटी को अटकाने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी, जो भी हैकिंग के रिलेटेड पर्सन है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स हैकिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड अ हैकर, अ क्रैकर, एन अटैकर और अ ब्लैक हैट हैकर। जो भी पर्सन हैकिंग की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है उसको हैकर बोलेंगे, क्रैकर बोलेंगे, अटैकर बोलेंगे, या तो फिर उसको कहा जाएगा ब्लैक हैट हैकर, ओके। अगर कोई पर्सन एथिकल हैकिंग से जुड़ा है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स
ethical hacking is called an ethical hacker or else white hat hacker. Okay, so दोनों में आप देख सकते हो variation name में कैसा है. Next third की बात करें तो intention, hacking is a negative intention activity. Okay, जो hacking है वो negative intention activity है. While ethical hacking is a positive intention activity. जबकि ethical hacking जो है वो positive intention activity है friends. Fourth point की अगर बात करें तो that is legality. So कौन सी activity legal है आप खुद ही जान गए होंगे. Hacking is illegal activity. If anyone caught, he or she will go to the jail. अगर कोई भी अगर hacking करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो negative illegal activity है और उसको जेल भी हो सकती है friends. Ethical hacking is a legal activity. Ethical hacking is sanctioned and authorized by the company. You are protected by a contract and it's completely legal activity. So ethical hacking है वो completely legal है. While ethical hacking है वो completely legal है. While hacking that is illegal activity. वहां से जेल भी हो सकती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपेंसेशन, जो रिम्यूनरेशन मिलता है काम के बदले में, तो अ हैकर सीक्स टू प्रॉफिट बाय इलीगली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेलिंग इट ऑन द डार्क वेब और सिंपली ट्रांसफरिंग द मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू देयर्स वंस दे हैव योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन. इट्स डर्टी मनी. So, अगर हम हैकिंग के कंपेंसेशन की बात करें तो हैकर जो है वो प्रॉफिट कहां से उसको मिलता है. सो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मान लो कि इंडिया की कोई खुफिया बहुत ही सीक्रेट बातें हैं और उसने कोई दूसरी कंट्री को दे दिया, ठीक है. सो ये जो है वो एक हैकिंग एक्टिविटी हुई और ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन देने के बदले में उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, ठीक है. तो ये जो है दैट इज The hackers profit यहां से उसको generate होता है. या फिर hackers को किसी के भी bank details, credit card details मिल गई तो वो उसका bank account खाली कर सकता है और उसका account का money जो means अपना account का जो money है वो अपने में ले सकता है. So ये जो money generate होते हैं hacking के through, that is completely dirty money. While we can say in case of ethical hacking, he is entitled to a salary एंड ऑल द बेनिफिट्स. यहाँ पे एथिकल हैकर को पूरा सैलरी भी मिलता है और ऑल द बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक कंपनी के एम्प्लॉय को मिलते हैं इन एक्सचेंज फॉर हिज सर्विसेज इन सिक्योरिंग द कंपनी यूजर डेटा, बिजनेस ऑपरेशंस एंड कीपिंग द अटैकर इन चेक. इट्स क्लीन मनी, कंप्लीटली कूल. सो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि एथिकल हैकिंग में जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी भी मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, उसको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक और एम्प्लॉय की पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है. एंड जो कि सिक्योरिटी करता, सिक्योरिटी है वो हैंडल करता है कंपनी की, डेटा चोरी होने से रोकता है, बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली रन करवाता है, ठीक है, एंड कोई भी अटैक से बचाता है. दैट इज द एथिकल हैकर. सो यहाँ पे जो एथिकल हैकिंग में जो मनी मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, वो कंप्लीटली क्लीन होगी. हाँ, कोई भी ब्लैक मनी, डर्टी मनी नहीं होगी, कंप्लीटली कूल है ये एक्टिविटी. नेक्स्ट वन दैट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हैकिंग, इन केस ऑफ हैकिंग नो स्कोप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है. यहां पे कोई भी स्कोप नहीं है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का. हैकर इज हैकर, हैकर इज हैकर एंड हैकर इज हैकर. दैट्स ऑल माई फ्रेंड्स. सो हैकर के अलावा उसके पास कोई और पोजीशन नहीं होती, कोई और वर्ड नहीं होता उसके लिए. व्हाइल इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग ग्रेट स्कोप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी. सो आप एक एम्प्लॉई हो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के एंड आपकी एक पहचान रहेगी, आपकी एक पोजीशन रहेगी. वो चाहे सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर हो सकते हैं, वो चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, वो चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो चाहे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी हो सकते हैं. सो देयर आर द लॉट ऑफ स्कोप ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग.
मूविंग नेक्स्ट वन, टास्क इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ हैकिंग. ये सब टास्क रहते हैं. स्टीलिंग सेंसिटिव आइडेंटिफाइबल यूजर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है यूजर्स की, आइडेंटिटी की, उसको चुरा लेना. डिस्ट्रॉइंग, मॉडिफाइंग और इरेजिंग कंपनीज डेटाबेस, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस है उसको डिलीट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मॉडिफाई कर देना या फिर उसको मिटा देना, ठीक है. एंड थर्ड थिंग दैट इज ब्रिंगिंग डाउन अ नेटवर्क बाय इंटरप्टिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन. जो नॉर्मली ऑपरेशन चल रहा है वो नेटवर्क को डाउन कर देना, यानी कि वो ऑपरेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा. सो ये सब टास्क रहते हैं हैकिंग के. वाइल अगर हम बात करें एथिकल हैकिंग की, सो एथिकल हैकिंग इज द काउंटर ऑफ दिस वन. एंड उसमें सबसे पहला रहता है टू आइडेंटिफाइंग एंड रेमिडी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज टू सिक्योर द सिस्टम. आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कोई भी कमजोरियां हैं सिक्योरिटी में, उसको आइडेंटिफाई करना है. सेकेंडली टू असेस एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मेजर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस. ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी का मेजरमेंट करना है एंड क्वालिटी एश्योर करनी है कि ये सिक्योरिटी है वो हैक नहीं होगी. एंड थर्ड थिंग दैट इज इम्प्लीमेंटिंग डेटा सिक्योरिटी रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस लाइक GDPR. सो दिस आर दी एथिकल हैकिंग टास्क इन्वॉल्व फ्रेंड्स. सो आपको दोनों में बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा. हैकिंग जो है वो एक नेगेटिविटी है, एथिकल हैकिंग है वो एक पॉजिटिविटी है फ्रेंड्स. लोग बहुत सारे आगे बढ़ते हैं दोनों फील्ड में, लेकिन मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव, अगर आप देश को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो ऑलवेज गो फॉर द एथिकल हैकिंग. यू आर लाइक अ पर्सन हु सेव द कंट्री, योर कंट्री. सो आप सिक्योरिटी बनाने वाले हो, दैट इज द एथिकल हैकिंग पोजिशन. और काफी सारे आपके पास डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे स्कोप है. आप चाहे कॉमर्स फील्ड के हो, आप चाहे साइंस फील्ड के हो, आप चाहे कोई भी फील्ड के हो, आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो और अपने देश की रक्षा भी कर सकते हो फ्रेंड्स. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकॉन फॉर द सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस फ्रेंड्स. और विद इन वन डे विल मूव विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑन द सिमिलर टेक्नोलॉजी अ न्यू कंसेप्ट वी विल पब्लिश्ड on our YouTube channel. So stay connected with Unique Knowledge City. Take care.